Hello, my dear children. Today we are going to read and understand lesson 1. And name of the lesson is A Letter to God. It is written by G. L. Fuentes. So this story, A Letter to God, revolves around the idea of having unquestionable belief in something. जैसे हम किसी पे टूट के विश्वास करते हैं, बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं जिस पे हमें कोई डाउट नहीं होता है, उसके बारे में ये स्टोरी है. और ये जो स्टोरी है ये रिवॉल्व करती है एक फार्मर के अराउंड, और इस फार्मर का नाम है लेंचो, जो कि स्टोरी का मेन कैरेक्टर है. सो लेंचो जो है वो एक लेटर लिखता है टू गॉड. अब आप सोच रहे होंगे गॉड को लेटर, एड्रेस तो हमारे पास नहीं होता है कि गॉड कहाँ है क्या है. वैसे हम कहते हैं गॉड इज़ एवरीवेयर, बट अगर हमें लेटर लिखना है तो हमें लेटर पे एनवलप पे एड्रेस डालना होता है. अब एड्रेस कहाँ का डाले वो, सो क्यों लेटर लिख रहा है और लेटर लिखने का जो उद्देश्य था क्या वो पूरा होता है. लेट अस रीड इन द स्टोरी एंड फाइंड इट आउट. हियर इज़ अ स्मॉल इंट्रो ऑफ द चैप्टर. A Letter to God by G. L. Fuentes is a story of extreme faith in God. भगवान पे पूरा विश्वास, इसको दर्शाती है ये स्टोरी. The writer has tried to depict the faith of a poor and simple farmer in God. एक सिंपल सा जो गरीब किसान है उसका कितना विश्वास है भगवान पे, यही स्टोरी में आपको देखने को मिलता है. The story reflects the blind faith of this peasant. Peasant यानी कि farmer. Let's begin the chapter. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. तो लेंचो जो है फार्मर, इसका अकेले का घर है जो कि टॉप ऑफ अ हिल है. इसे हम अपने आसपास भी कई बार देखते हैं, खेत होते हैं ना, उन खेतों में एक एक घर बने होते हैं तो वो कितनी दूर दूर होते हैं, यानी एक खेत में एक घर होता है. सेम वे लेंचो का घर जो है वो हिल के टॉप में था, और क्रेस्ट का मतलब होता है टॉप. फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट. डॉटेड का मतलब होता है बेटा फुल ऑफ, भरे हुए. तो ऊपर क्रेस्ट के ऊपर, जैसे ये हिल है और हिल का जो क्रेस्ट होता है इसके ऊपर से अगर कोई देखे तो वन कुड सी द रिवर, नदी दिखाई देती थी, और दिखाई देता था मक्कों का खेत, मक्के जो होते हैं भुट्टे उनका खेत. दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, और खेतों में पूरी तरह फसल लहलहा रही थी. सो इट वॉज अ साइन ऑफ गुड हार्वेस्ट. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर. डाउनपोर का मतलब होता है जोर की बारिश, हैवी रेन. तो ओनली थिंग जिसका इंतज़ार था वो थी रेनफॉल. थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, had done nothing else but see the sky towards the northeast. तो सुबह से जो है लेंचो ने कोई काम नहीं किया है सिवाय नॉर्थ ईस्ट स्काई की तरफ देखने की. जैसे हम किसी का इंतज़ार करते हैं तो बार बार हम गेट की तरफ देखते हैं, अब लेंचो को किसका इंतज़ार है. ही इज़ वेटिंग फॉर शावर ऑन हिज फील्ड, कि थोड़ी हल्की बारिश हो जाए मेरे खेतों पर. तो बार बार आसमान की तरफ देख रहे हैं, इंटीमेटली यानी क्लोजली, जैसे हम किसी को जानते हैं, फेमिलियर होते हैं, तो बार बार आसमान की तरफ देख रहे हैं कि काश थोड़ी बारिश हो जाए. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन. तो यहाँ पे वुमेन लेंचो की वाइफ के लिए कहा गया है. तो लेंचो अपनी वाइफ से कहता है कॉन्फिडेंटली कि भाई अब तो पानी आने वाला है, यानी बारिश आने वाली है. द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग. गॉड विलिंग यानी ईश्वर जाने. तो जब वो कहता है बारिश आएगी तो उनकी वाइफ, लेंचो की वाइफ कहती है कि देखो भाई भगवान की मर्जी हो तो आ ही जाएगी. द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल. तो जो लेंचो के बच्चे हैं, बड़े वाले जो बड़े बच्चे हैं वो तो फील्ड में काम कर रहे थे, छोटे वाले घर के आसपास खेल रहे थे. और तभी लेंचो की वाइफ ने सभी को आवाज़ दी, कम फॉर डिनर, सब आके खाना खा लो. It was during the meal that just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. तो सभी बैठ के डिनर कर रहे थे उसी वक्त जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, यानी कि बताया था बारिश होगी. Predicted means foretell, पहले से बता देना, वैसा ही हुआ.
बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग. तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो आसमान था उधर से बादल आते हुए दिखाई दे रहे थे. और भी द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी. एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम, दीज aren't रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स. तो मैन यहाँ पे कौन है? लेंचू. ही गोज आउट ऑफ द हाउस टू टेक प्लेजर इन फीलिंग द रेन ड्रॉप्स. जब भी बारिश होती है हमें भी ऐसी फीलिंग आती है ना कि बाहर जाएं और बारिश में भीगे. तो ये भी बहुत खुश था, ये बाहर चला जाता है. और क्या कहता है वापस आके? दीज aren't रेन ड्रॉप्स, ये जो बारिश की बूंदे हैं ये बूंदे नहीं हैं, दे आर कॉइन्स. द बिग ड्रॉप्स आर 10 cent pieces एंड द लिटिल वंस आर 5. और वो ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि अच्छी बारिश जब आई है अभी तो इससे क्या होगा, फसल अच्छी होगी, और अच्छी फसल होगी तो इट विल गेट देम अ लॉट ऑफ मनी. तो वो कहते हैं बड़ी बड़ी बूंदे हैं वो 10 cent pieces है, सेंट जो है कॉइन्स को बोलते हैं, और जो छोटी हैं वो 5 है. यानी कि ये बहुत हैप्पी है कि अब हमें पैसे अच्छे मिलेंगे फसल के. विद अ सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रेप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन. तो क्योंकि अब सब कुछ लेंचो के मुताबिक हो रहा था, ही वॉज वेरी हैप्पी. तो अपनी फील्ड को देखते हैं, पूरी फूलों से कवर्ड है और उन फूलों पे बारिश की बूंदें गिरी हुई है. तो ऐसा लगता है कि जैसे पूरा खेत जो है उसने एक कर्टन, एक पर्दा, एक चुनरी ओढ़ ली है. बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगैन टू फॉल. लेकिन अचानक कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है. क्या होता है? स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत ही तेज़ हवाएं चलने लगती है, लीडिंग टू हेल स्टॉर्म, ओले गिरने लगते हैं. अब जब ओले गिरेंगे तो फसल का फ़ायदा तो होगा नहीं, है ना? सो ऑब्वियसली लेंचो इज़ नॉट हैप्पी. दीज ट्रूली डिड रिसेम्बल न्यू सिल्वर कॉइन्स. अब यहाँ पे एक आयरॉनिकली लिखा हुआ है राइटर ने कि अब जो हेल स्टॉर्म गिर रहे थे, जो ओले गिर रहे थे, वो सच में सिल्वर कॉइन जैसे लग रहे थे. द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स. बच्चे जो हैं उन्हें इतना भविष्य का कुछ नहीं पता है, क्या होने वाला है क्या नहीं. बारिश आते ही वो बहुत ही प्लेफुल हो जाते हैं. सो द चिल्ड्रन वेंट आउट इन रेन टू प्ले एंड कलेक्ट दीज हेल स्टोन्स. ये जो ओले गिर रहे थे जो कि फ्रोजन पर्ल्स जैसे, मोती जैसे लग रहे थे, तो बच्चे उन्हें कलेक्ट करने लगे. इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैन, आई होप इट पासिस क्विकली. तो फार्मर जो है उसे अब चिंता होने लगती है और वो सोचता है, होप करता है कि जल्दी से स्टॉर्म ख़त्म हो जाए, ये तूफान ख़त्म हो जाए. इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्न फील्ड, ऑन द होल वैली. ओले जो हैं, जो बर्फ़ के टुकड़े, वो लगातार एक घंटे तक गिरे हर जगह. द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट. तो ओले गिरने के बाद कैसे ही सीन हो जाता है खेत का, ये आप लोग देखते ही हैं, कई बार आपने देखा होगा. सो इट मेड एवरीथिंग लुक सो वाइट दैट इट वॉज लुकिंग एज इफ इट वॉज कवर्ड विद सॉल्ट. जैसे नमक बिखेर के किसी ने पूरी धरती को सफ़ेद कर दिया है. द सीन वॉज लाइक दैट. Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. किसी पौधे पे एक लीफ भी नहीं बची और जो फसल खड़ी थी वो भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई. The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. अब obviously अगर हमने बहुत मेहनत की है और हमारी मेहनत पे पानी फिर जाए तो it is obvious that हम happy तो नहीं होते हैं, हम बहुत उदास हो जाते हैं. भविष्य की चिंता इसे सताने लगी लेंचो को कि अब क्या होगा. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of locust would have left more than this. तो जब तूफान शांत हो गया उसके बाद लेंचो अपने खेत में जाता है और खेत के बीच में खड़ा होके अपने बेटों से कहता है, a plague of locust would have left more than this. अगर टिड्डियों का हमला होता, लोकस्ट टिड्डियाँ होती है, अगर टिड्डियाँ हमला करती तो वो भी कुछ तो छोड़ देती.
लेकिन इस तूफान ने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया. द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग. दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न. इस साल हमारे पास कोई फसल नहीं है. ये देखिए बच्चों, पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा, दीज आर लोकस्ट. प्लेग ऑफ लोकस्ट यानी कि डिस्ट्रक्टिव जो होती हैं और झुंड में आते हैं जो इंसेक्ट्स, दोज हू फ्लाइंग ग्रुप्स एंड दे डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स. दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन. ऑल आर वर्क फॉर नथिंग. देर इज नो वन हु कैन हेल्प अस. विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर. तो ये सारी बातें लेंचो बोलते हैं रात को. ये कहते हैं ऑल अ वर्क फॉर नथिंग. हमारी सारी मेहनत पानी में चली गई. देर इज नो वन हु कैन हेल्प अस. कौन मदद करेगा हमारी? कोई भी नहीं. इस साल तो हमें भूखे ही निकालना पड़ेगा. बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड. तो उस मकान में, उस सॉलिटरी यानी कि जो एक अकेला खेत में मकान था, उस मकान में जितने भी लोग थे, लेंचो, लेंचो की वाइफ, उसके बच्चे, सभी के दिल में एकमात्र उम्मीद बची थी और वो थी हेल्प फ्रॉम गॉड. ये भगवान हमारी मदद ज़रूर करेगा. डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस. रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर. तो लेंचो कहता है कि इतने अपसेट मत हो. अपनी फैमिली से कह रहा है, सपोर्ट दे रहा है उन्हें कि सुना नहीं है तुमने, भूख से कोई नहीं मरता है. ईश्वर ने अगर पेट दिया है तो वो खाना भी देगा. दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर. यही सुना है शुरू से हमने कि भूख से कोई नहीं मरता है. भगवान ने अगर धरती पे भेजा है आपको तो उसने आपका दाना पानी जो भी है, योर फूड मटीरियल, एवरीथिंग ही हैज सेंट. सो डोंट वरी, कोई ना कोई इंतज़ाम होगा. ऑल थ्रू द नाइट Lencho thought only of this one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, seen everything, even what is deep in one's conscious. तो पूरी रात Lencho यही सोचता रहा. एक ही ऑप्शन था इसके पास कि भगवान की हेल्प ले. और इसका मानना था कि उनकी आँखें, whose eyes यानी कि भगवान की आँखें जो हैं, उन्होंने सब नज़ारा देखा था कि क्या क्या हुआ. और भगवान वो सब कुछ देख सकता है जो कोई और नहीं देख सकता. लाइक अदर ह्यूमन बीइंग दे कांट पीप इनटू योर हार्ट, बट गॉड कैन. आपके कॉन्शियस में, आपके इनर सेल्फ में क्या चल रहा है, इवन दैट कुड बी सीन बाय गॉड. तो ईश्वर ने देखा है कि मेरे साथ क्या हुआ, तो उसे मेरी मदद करनी पड़ेगी. Lencho वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन. ऑक्स ऑफ अ मैन हम कहते हैं जो बहुत ही कड़ी मेहनत वाला इंसान होता है, मेहनती होता है. So he was an ox of a man working like an animal in the fields, but still he knew how to write. तो ये एक बहुत ही मेहनती, जानवरों की तरह मेहनत करके काम करने वाला इंसान था Lencho, लेकिन इसे लिखना आता था. The following Sunday at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. तो संडे सुबह इन्होंने लिखना शुरू किया और अपने मन में सोचा कि ये लेटर लिख के मैं खुद पोस्ट करके आऊँगा जाके. It was nothing less than a letter to God. अब ये letter, जैसा कि हमारे title में भी है story की, ये letter इन्होंने किसे लिखा? He wrote this letter to God. God, he wrote. Letter में क्या लिख रहा है वो? If you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes. Because the hailstorm. तो गॉड को लिख रहा है कि अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो my whole family will have nothing to eat this year. इसलिए how much money I need? I need 100 pesos. Pesos is a Mexican currency. तो मुझे 100 pesos चाहिए ताकि मैं अपनी field को दोबारा ready कर सकूं और crop उगा सकूं. क्योंकि मेरी जो फसल थी उसे तो hailstorm ने बर्बाद कर दिया है. आई हैव ओनली वन होप लेफ्ट एंड दैट इज यू. ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन. तो उन्होंने वो लेटर जो है एक लिफाफे में, एक एनवलप में डाला और एड्रेस की जगह उन्होंने बस एक ही लाइन लिखी, टू गॉड, और चल पड़े शहर की तरफ. एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस द स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इन टू द मेल बॉक्स.
पोस्ट ऑफिस जाके उन्होंने एक स्टाम्प खरीदा और उस एनवेलप पे लगाया एंड देन ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स. आपने देखा होगा ना, पहले एक रेड कलर का मेल बॉक्स हुआ करता था, आजकल भी आप देख सकते हो पोस्ट ऑफिस के बाहर. उस मेल बॉक्स में लेंचो ने वो लेटर डाल दिया. वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्पर एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टिली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड. तो यहाँ जब एक पोस्टमैन ने लेटर देखा तो एड्रेस पे देखा टू गॉड, तो इसने क्या किया, ये अपने जो पोस्ट मास्टर है उनके पास ले गया ये लेटर और दोनों एक बार तो खूब हंसे कि भाई कौन है ये जिसने गॉड को लेटर लिखा है. नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस. द पोस्ट मास्टर अ फैट अमीएबल फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस. तो पोस्टमैन ने अपने पूरे करियर में ऐसा कोई एड्रेस नहीं देखा था टू गॉड. और जो पोस्ट मास्टर था वो भी एक फ्रेंडली सा आदमी था, थोड़ा मोटा सा फ्रेंडली सा, वो भी जब लेटर उसने देखा तो वो हंसने लगा लेकिन तुरंत ही सीरियस भी हो गया बहुत. एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर. तो पोस्ट मास्टर जो है वो हंसते हंसते एकदम सीरियस हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि वाह क्या विश्वास है, आई विश मेरे अंदर भी ऐसा विश्वास होता भगवान के प्रति. स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, करस्पॉन्डेंस यानी लेटर के थ्रू किसी से बातचीत करना, तो इस बंदे का तो बहुत विश्वास है, ईश्वर को लेटर लिख रहा है और डायरेक्ट बातें हो रही है इनकी, व्हाट अ फेथ. सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया. तो पोस्ट मास्टर जो था बहुत अच्छे दिल का इंसान था, अब इसने सोचा कि इस इंसान का जिसने भी लेटर लिखा है उसका विश्वास टूटना नहीं चाहिए, तो उसे एक दिमाग में आइडिया आया, आंसर द लेटर कि मैं इसका जवाब दूँ. बट व्हेन ही ओपन्ड इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर. तो उसने सोचा कि मैं जवाब दे देता हूँ ताकि वो खुश हो जाएगा, लेकिन जब लेटर खोला तो पोस्ट मास्टर को पता चला कि सिर्फ जवाब से काम नहीं चलेगा, जवाब में पैसे भी देने पड़ेंगे, सिर्फ अच्छी नीयत पेपर पेन से नहीं चलेगा, ये यू नीड मनी फॉर दैट. बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन. लेकिन अब पोस्ट मास्टर ने जब सोच लिया था कि रिप्लाई देना है तो वो अपने डिसीशन पे फर्म था, यानी पक्का इरादा उसने कर लिया था कि मैं इसका जवाब दूंगा. ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी. तो पोस्ट मास्टर ने खुद अपनी सैलरी का हिस्सा दिया, अपने कलीग्स जो थे साथ में काम करने वाले उनसे भी रिक्वेस्ट की और अपने फ्रेंड्स को भी कहा. सो एवरी वन वर मोर देन विलिंग टू डोनेट फॉर अ गुड कॉज. जैसे कोई अच्छे काम के लिए अगर कुछ आपको डोनेट करना पड़े थोड़ा सा अमाउंट, सो एवरी वन इज़ मोर देन हैप्पी. सो द पोस्ट मास्टर कलेक्टेड अ पूल ऑफ मनी टू हेल्प लेंचो. इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 pesos, सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटल मोर देन हाफ. तो बहुत बेस्ट एफर्ट्स किए, बहुत कोशिश की पोस्ट मास्टर ने, बट ही वॉज एबल टू कलेक्ट ओनली 70 pesos, पूरा अमाउंट नहीं कर पाए वो. ही पुट द मनी इन एन एनवलप एड्रेस टू लेंचो एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड. तो उन्होंने क्या किया, पोस्ट मास्टर ने जो पैसे थे वो एनवलप में डाल दिए और जैसे लेंचो ने एनवलप पे लिखा था टू गॉड, वैसे ही इन्होंने सिर्फ पैसे डाल के एक लेटर डाला, उसमें सिर्फ एक वर्ड लिखा था गॉड, यानी भगवान की तरफ से इसे सिग्नेचर कर दिया जैसे कि भगवान भेज रहे हो. द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर दैन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम. तो अगले संडे को लेंचो अपने तय समय से थोड़ा पहले ही आ गया था पूछने के लिए क्या मेरा कोई लेटर आया है. इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम. और जो पोस्टमैन जिसने लेटर निकाला था ना पहले लेंचो का, इट वॉज द सेम मैन जिसने ये गॉड के थ्रू आया हुआ लेटर लेंचो को हैंड ओवर किया. वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस. और जो मेन जिसने हेल्प की थी पोस्ट मास्टर, वो दूर बैठे हुए देख रहे थे, मन में एक सेटिस्फैक्शन था, एक संतोष था कि मैंने ऐसे इंसान की मदद की
जो सच में ज़रूरतमंद था। और जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो हमारे चेहरे पे एक हैप्पीनेस होती है, द सेम हैप्पीनेस कुड बी सीन ऑन द फेस ऑफ पोस्ट मास्टर, ये अपने ऑफिस में बैठे इसको देख रहे थे। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। कई बार ऐसे हो जाता है ना, अरे भगवान कैसे भेजेंगे, बट लेंचो को पूरा यकीन था, सो बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ पैसे देख के। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, क्योंकि हमें पता है वो कम थे, पैसे काउंट करते ही लेंचो को गुस्सा आ गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड। तो इसने अपने मन में सोचा कि मैंने जितना भगवान से मांगा था तो भगवान ने कम तो भेजे नहीं होंगे, क्योंकि भगवान का हिसाब तो पूरा अच्छा होता है, तो कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हुई है। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट। अब गुस्से में इसने सोचा मैं एक दूसरा लेटर और लिखता हूँ गॉड को, तो उन्होंने पोस्ट ऑफिस की विंडो से एक पेपर और पेन मांगा और राइटिंग टेबल पे उसने लिखना शुरू किया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, तो लिखना शुरू किया और बहुत ही टेंशन में एकदम आईब्रोज जो है वो रिंकल हो गई और बहुत मेहनत से लिख रहा है ये। व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प व्हिच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स टू द एनवेलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। पूरा लेटर लिखने के बाद उन्होंने पोस्ट ऑफिस से एक स्टैम्प खरीदी, उसे लिक किया, अपने थूक लगाया उस पर, एंड देन ही फिक्स्ड इट ऑन द एनवेलप, एक जैसे हम मारते हैं ना मुट्ठी से ऐसे मार के, और वहाँ एनवेलप पे उस स्टैम्प को फिक्स कर दिया। सो द लेटर इज़ रेडी। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। जैसे ही मेल बॉक्स में लेंचो ने लेटर डाला, तुरंत पोस्ट मास्टर ने उसको निकाल लिया और देखा क्या लिखा था। इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर ओनली 70 पैसोज रीच मी, सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। तो इसने भगवान को लिखा था कि भगवान मैंने आपको 100 मांगे थे और मुझे मिले हैं सिर्फ 70 पैसोस, तो मुझे बाकी के पैसे भेज दीजिए क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, लेंचो। अब देखिए लास्ट में क्या लिखता है लेंचो। उसने भगवान को बताया कि मुझे 70 ही मिले हैं और मुझे पूरे चाहिए, लेकिन ये कह रहा है कि गॉड जब पैसे भेजेंगे तो पोस्ट से मत भेजिएगा, क्योंकि यहाँ जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं उनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो कि चालाक हैं, शायद चोर भी हैं, इन्होंने मेरे 30 पैसोस चुरा लिए हैं। तो देखिए यहाँ इसको डाउट गॉड पे नहीं है, गॉड पे लेंचो को पूरा फेथ है, लेकिन इसका जो डाउट है वो कहाँ गया, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ में। अब जब पोस्ट मास्टर ने ये लेटर पढ़ा है, हाउ ही मस्ट हैव फेल्ट, जब आप किसी की मदद कर रहे हो और आपको अपने लिए ही कुछ बुरा सुनने को मिलता है, ऑब्वियसली कुछ ख़राब तो लगा होगा। ये आगे की स्टोरी हमें नहीं पता है उन्हें कैसा लगा कैसा नहीं, बट हमें यहाँ पे एक ह्यूमन नेचर देखने को मिल रहा है जिसका गॉड पे पूरा यकीन है, लेकिन ही इज़ नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट द पोस्ट ऑफिस स्टाफ। तो दिस एंड्स द लेटर टू गॉड, दैट इज़ आर लेसन 1। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट कम्प्लीटली। स्टिल इफ देर इज़ एनी डाउट, गो थ्रू इट वंस मोर एंड यू कैन आस्क मी टू। हैव अ गुड डे।